आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाँ जी, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, हॉलो आयरन पाइप और 21 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर एंड आयरन वेट्स 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द वेट ऑफ द पाइप इज। ठीक है, एक हॉलो आयरन पाइप है, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। उसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है? 8 सेंटीमीटर है। जैसे आप कह सकते हो कि एक हॉलो सिलेंडर की ही बात हो रही है। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है और इस हॉलो सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर हमें गिवन है, एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है इसका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैं बना लेता हूं उसको, ये। और अगर एक्सटर्नल डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। तो डायमीटर का आप हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, ए हॉलो आयरन पाइप ऑफ 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये इसकी लेंथ दी हुई है 21 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 3, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 सेंटीमीटर इंटरनल जो रेडियस है वो ये हो जाएगी। ठीक है, आयरन का वेट दिया हुआ है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देन द वेट ऑफ द पाइप, तो वेट पूछ रहा है, वेट हम निकालेंगे, पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द आयरन दैट इज पाई आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यही होगा एरिया बेस इंटू हाइट। हमें किसका निकालना है एरिया? ये साइड वाले का, अंदर से तो खोखला है ये। ठीक है, खोखला यानी कि वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर लिख दीजिए, हॉलो सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम ऐसे निकाला जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर क्या होगा, कैपिटल आर जो है हमारा वो है 4 और उसमें से 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस कर दिया, इंटू एच, एच 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 3 21, 22 × 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, यह आ जाएगा 66 इंटू 16 माइनस 9 किया, ये आ गया 7, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आ गया। अब बात कर वॉल्यूम आ गया, सॉरी यहां से वॉल्यूम आ गया ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा फिर। हाँ जी, अब निकालते हैं वेट। वेट इक्वल टू होता है 8 × 462, जैसा कि उसने बोला जितने डेंसिटी है जो दी हुई है और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वेट आ जाएगा, वो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिए, तो 8 इंटू दिस और सेंटीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तभी ये केजी में आएगा, तो ये आ गया 3.696 केजी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.96, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।